नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवराज सिंह। आईसीसी T20 विश्व कप में मंगलवार को न्यूजीलैंड को पाकिस्तान के हाथों 5 विकेट की हार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान ने अपने पहले दोनों मैचों में जीत दर्ज की है। इससे पहले पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से मात दी थी। मैच के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने पाकिस्तान टीम की जमकर तारीफ की, खासकर पाकिस्तान की गेंदबाजी की। केन ने कहा कि पाकिस्तानी गेंदबाजों ने डेथ ओवरों में बहुत कसी गेंदबाजी की और कीवी टीम को रन बनाने के लिए तरसाया। ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस में केन विलियमसन ने कहा कि इस विकेट पर गेंद को टाइम करना मुश्किल था। शोएब मलिक ने आखिरी तक बल्लेबाजी की और पाकिस्तान को जीत दिलाई। आसिफ अली आए और बढ़िया शॉट लगा। इस विकेट पर उन्होंने जिस तरह से शॉट्स खेले और कोई नहीं खेल पाया। दुर्भाग्य से ये मैच हमारे लिए सही नहीं गया। अगर हम सोचें कि विरोधी टीम कितनी क्लिनिकल रही कि उन्होंने डेथ ओवरों में हमें शॉट नहीं बनाने दिए, उन्होंने शानदार क्लास दिखाया। कीवी कप्तान ने कहा कि इस हार को स्वीकार करना मुश्किल है। हम उस दूसरे हाफ में अच्छी टक्कर देने की उम्मीद कर रहे थे। ये एक बहुत मजबूत पाकिस्तान पक्ष है और निश्चित रूप से देखने लायक है। वहीं पिच को लेकर केन विलियमसन ने कहा कि पिच पर शुरुआत करना बहुत मुश्किल था। आप बड़े ओवरों के लिए कुछ ओवरों पर हिट करने की कोशिश करना चाहते हैं क्योंकि आपके पास हमेशा शॉर्ट गेंदें होती हैं। ये बहुत ही समान विशेषताएं थीं जो हमने पूरे आईपीएल में देखी थीं। बता दें कि पाकिस्तान के खिलाफ न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 134 रन का स्कोर खड़ा किया। जवाब में पाकिस्तान ने 5 विकेट गंवाकर 18.4 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। न्यूजीलैंड का अगला मैच 31 अक्टूबर को भारत के खिलाफ है, जहां दोनों टीमें पाकिस्तान से हारने के बाद आमने सामने होंगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।